अरे दुग्गल साहब, इसे कहते हैं यारी। तुम्हारी बीवी ने तुम्हें घर से निकाल दिया तो क्या हुआ? तुम हमारे घर पे आके लौट सकते हो, रह सकते हो, खा सकते हो, पी सकते हो। तुम इतना कह रहे हो तो रुक ही जाएंगे, लेकिन हमें एक बात बताओ, तुम्हारी बीवी हमें बर्दाश्त तो कर लेगी ना? वरना पता चले कि हम बैठे हो आए हमारी खोपड़ी फोड़ देवा। अरे ऐसी सिटपिटी बातें मत करो, वो तो बेचारी गाय है। गाय गाय है? अरे तभी हम सोचे वो एक तो सांड तुम्हारे घर के बाहर काहे खड़े रहते हैं। अरे नहीं यार, वो तो आवारा सांड है। मेरा मतलब है कि वो बहुत सीधी सादी है, गाय है, एकदम गाय। वो जैसे ही मेहमान को देख ले, भागते हुए गुलाटी मारते हुए पैरों पे गिरती है आके। लेकिन हमने तो सुना था कि तुम्हारी बीबी बहुत गुस्सैल है, तुम्हारी फुकनी बना के रखती है वह। अरे भाई ऐसी बिना सर पैर की परकटी बातें मत करो यार। चलो नहीं नहीं अभी चलो, अगर वो तुम्हारे घर में घुसते ही पैरों पे ना गिरी आके तो तुम मार जूता मेरी चांद गंजी कर देना। पर भैया हमने तो ये भी सुना था कि वो चिमटा गरम करके पिछवाड़े पे रख के खाल उछाड़ लेती है एकदम कसाई की तरह। अरे दुग्गल साहब कदम तो बढ़ाओ, चलो तो महाराज, तब देखना कैसे मेरे पैर धो के पीती है वो। हेलो, हाँ बोलो। इतनी देर से कहाँ मर रहे हैं, कनस्तर की औलाद? कहीं नहीं, अरे रास्ते में हूँ जानू, समझा करो, रास्ते में हूँ, आ रहा हूँ बस। और हाँ अकेले ही आना, वरना किसी लल्लू पंजू को अपने साथ उठाए चले आओ गोदी में, वरना फिर तुम्हारे लिए चिमटा गरम करके रखा है, ऐसा डिजाइन बनाएंगे ना कि सारी पुश्तें याद रखेंगी। क्या आज तुम्हारा व्रत है, आज पैर नहीं छू पाओगी? अरे क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है लल्लू राम, खोपड़ी गर्मी में सटपटा गई है क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, आज वो बंगाली बाबा ने मना किया है पैर छूने से। अरे कौन से बाबा जी, कैसे बाबा जी है, क्या सच में खोपड़ी पगला गई है क्या गर्मी में? जाके पागल खाने में चेकअप करवा, मैं रख रही हूँ फोन। लगता है फोन कट गया अब। अरे ओ मनु उसकी बच्ची, ऐसे कैसे पैर नहीं छुएगी हैं? देखो क्या तेरा बाप भी गुलाटी खा के पैर छुएगा, वरना हम टांग काट देंगे तुम्हारी। तू एक बार खा राजा बेटा, तेरी ऐसी ऐसी जगह डिजाइन बनाऊंगी ना कि तू क्या तेरा पूरा खानदान याद रखेगा। मतलब आज फोन कटा नहीं था, मुझे आज कोई बचा नहीं सकता। वाह भैया वाह, तुम्हें मान गए आज हम, तुम अपनी लुगाई से ऐसे भी बात कर लेते हो। हम आए अंदर तो साहस नहीं है, अगर हमने कोशिश हो की तो क्या पता मैं तो रापट दे और घर से निकाल दे बाहर अलग। ये ले इनसे मिलो, ये हमारे मामा की लड़की के मौसी के बेटा है तो? और इस बेचारे का इस दुनिया में कोई भी नहीं है तो अब ये बेचारा कहाँ जाएगा? चलो इसको यहीं पे रोक लेते हैं। क्यों, हमने क्या इसका ठेका ले रखा है? कौन कौन है ये सुरक्षा, कहाँ से उठा के लेके आए इसे? ऐसा लग रहा है गंदे नाले से सीधा चला आ रहा है यहाँ पे, इसको वापस छोड़ के आओ जहाँ से उठा के लाए हो, वरना इसे अगर घर में घुसे ना तो चिमटा अंदर रखा है। अरे सुनो तो, मैं नहीं लाया हूँ इसको, बल्कि हमारी तकदीर इसे घसीट के लाई है हमारे पास, किस्मत वाले हैं हम। ये हमें हमारे घर में ना दिख जाए, वरना तुम्हें और इस कल खजीरों को उठा के वॉशिंग मशीन में डाल के धुल के और सुखा के भिखारियों में बटवा दूंगी। दुग्गल यार तू यहीं रोक, कहीं भगे ना चले जाना, यहीं रुकना, अभी हम आते हैं। ये बीबी है कि तूफानी मेल, ये इसको झेल कैसे रहा है आखिर है? ससुरा डींगे तो बहुत लंबी लंबी हाक नहीं था कि पैर दबाती है, पैर धोकर पीटी है, इसको देख के तो ऐसा लगता है कि पैर छूने आती होगी और उठा धोबी पछाड़ देती होगी। ठंडे दिमाग से सोचो, इसका यहाँ इस दुनिया पे कोई नहीं, तभी मैं इसको यहाँ लेके आया हूँ। तो खुद को भगवान समझते हो या फिर इस जैसे छुछुंदरों का मसीहा? मैंने तो सुना था जिनका कोई नहीं होता उनका भगवान होता है, तुम कहीं इसी भ्रम में तो नहीं बैठे हो? अरे मेरी बात सुनो तो सही पनवटी औरत। अरे मेरा मतलब था पवित्र औरत, पवित्र। अरे ये कोई ऐसा वैसा लल्लू पंजू गंदे लाले से उठाया हुआ आदमी नहीं है। तो ये क्या कोई अवतार वगैरह है क्या? अरे नहीं, बस इसको ब्लड कैंसर है। ब्लड कैंसर है? मतलब हमने यहाँ पे अस्पताल खोल रखा है? नहीं नहीं, हम तुम्हें नर्स देखते हैं, सारे लूले लंगड़े मरे कटे आदमी सब यहीं डाल देवा। लेके जा इसको यहाँ से भी, लेके जा।
अरे मेरी बात तो सुन आफत। आफत है? लगता है पिछली बार का टैटू मिट गया है पिछवाड़े से। अरे वो मेरा मतलब था सराफत, सराफत। एक बार सराफत से मेरी बात तो सुन लो महादेवी। टाइम नहीं है मेरे पास, जो भी बोलना है भौंकना है मिनटों सेकंडों में भोंक दो। हम तुम्हारी तरह नल्ले नहीं घूमते दिन भर। उसको ब्लड कैंसर तो है पर ऊपर से वो करोड़ों की संपत्ति का मालिक है। अभी 2-4 दिन में वो मरने वाला है, टपक जाएगा। तो उसके मरने से पहले उसकी संपत्ति अपने नाम कर लेंगे, इसलिए उसको अपने यहाँ लाया हूँ। अरे अब ये कहोगी क्या कि मैं लालच में आकर ये पाप काय करने जा रहा हूँ? नहीं मेरे प्राणनाथ, काम की बात देर में बताई इसलिए पड़ा तुम्हारे। तो उसको मैं अब अंदर पकड़ लाऊं वरना वो कहीं भाग जाएगा बाहर ही से। तुम पहले जाओ और उस कनखजूर अरे मतलब देवर जी को पकड़ कर रखो जाके, वरना का पता वो भाग जाए। जे बहुत अच्छा, ये हुई ना बात। भाग यहां से भाग। अगर वो यहां से भाग गया ना तो तेरे अलग अलग जगह बढ़िया बढ़िया टैटू बनाऊंगी। अरे देवर जी अंदर आइए, अपने शुभ कदम हमारे घर पे रखिए, अतिथि देवो भव। ये सिंधी ने ऐसा कौन सा कैप्सूल पकड़ा लिया इसको कि ससुरा पूरी ही बदल गई एकदम। भैया औरत को आज तक कोई ना जान पाया है। अब कुछ खाना पानी लाओगी कि यहीं भूखा मार दोगी खड़े खड़े? ला रही है, ठोस लेना, भुकाई ना जाओगे तो कुत्तन की तरह। अरे वाह क्या बात है, देसी घी के पराठे, इन्हें देखने के लिए तो हम बरसों से तरस गए थे, आज ये बन भी गए। अरे ये क्या है, ये तो परसों की बासी रोटी और भूसा हुआ साग है। अरे उल्टी खुपड़िया, परसों का साग नहीं सरसों का साग है, सरसों का। हाँ लेकिन बना तो परसों था ना। देखो आमदनी है हम लोग की कम और घर में ऐसे खर्चा होता है जैसे अम्बानी तुम्हारे चौथे चचा लगते हो, तो तुम्हें कुछ दिन रूखा सूखा खाना खा के गुजारने पड़ेंगे। तो इस घर के लिए सारा खून पसीना महीना तेल सब हम ही से निकालोगी क्या? मुझे पहले से ही पता था कि तुम ऐसा ही कुछ बकोगे, इसलिए मैंने पहले ही चिमटा गरम होने के लिए रख दिया है। अरे नहीं यार क्या बात करती हो, बासी रोटी और भूसा हुआ साग खाने का अपना ही कुछ अलग मजा है। इस घर के लिए तो मैं अपना एक एक कतरा खून का बहा दूं। अरे देवर जी कहाँ हो आप, देखो मैं आपके लिए क्या लाई हूँ। हैं इतने प्यार से तो तुमने मुझे भी आज तक कभी नहीं बुलाया। घर में तो मेरी पोजीशन बहुत कम हो गई है, मुझे से तो दुग्गल की दुग्गी सी लग गई है। अरे देवर जी कहाँ थे आप, मैं तो आपको ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गई। देखो मैंने आपके लिए बादाम की खीर बनाई है। अरे वाह भाभी जी वाह, मजा आ गया। क्या खीर है, इसकी तो हमने सपने में भी कल्पना नहीं करी थी। जरा अपने पति को भी थोड़ी दे दो, मुँह टाक रहा है बैठे बैठे, देखो कैसे लाल टपका रहा है देखो। अरे मुझे भी कुछ दो खाने के लिए, मेरी जीभ भी लपलपा के बाहर गिरी आ रही है। ये लो खा लो, ठोस लो, अपर लो एक बार में। अरे ये क्या, यहाँ तो चावल पे चीनी पड़ी हुई है, खीर कहाँ गई? अरे हमारा बजट डाउन है और खीर में भी तो चीनी और चावल होते हैं, उसी को खाकर खीर की फीलिंग ले लो। सिंधी यार तुम इतना काम अकेले कैसे कर लेते हो, कैसे इतना सब कुछ सहन कर लेते हो तुम? ये लियो, ये भी धुल देना। अरे यार सिंधी मुझसे तुम्हारी हालत देखी नहीं जा रही है। अरे बहुत बुरा फंस गया, अरे मैंने अपने पैरों पर खींच की कुल्हाड़ी मार ली है। ना मैं उस लालची औरत को प्रॉपर्टी का लालच देता, ना मेरी कुछ ऐसी दशा होती। ये लो, ये भी एकदम से बढ़िया साफ कर देना। ए सिंधी इधर दे कपड़े, इधर दे मैं धोता हूँ तेरे लिए। दे रहने दे यार, सह लेंगे थोड़ा सा, मुझे ये सब वैसे भी करने की आदत है। लाओ लाओ हमको दो, आज हम ही सारे कपड़े धुल डालिए, आज सारा दोस्ती का फर्ज यहीं उतार दिया। रहने दे ना, पिटवाएगा क्या मुझको? अरे यार दिखाओ तुम मुझे दो।
मैंने कुछ नहीं किया, यही दुक्कल साहब थे, दुक्कल साहब यही कपड़े को ऐसे खींच रहे थे जैसे रबड़ बैंड हो। गलती चाहे किसी की भी हो, सूते तुम ही जाओगे, चिमटा तुम्हारे ही चिपकेगा। अरे अरे क्यों भाई क्यों, ऐसा थोड़ी ना होता है। जब देवर जी को कपड़े धुलने नहीं आते तो तुम बता नहीं सकते थे। अरे ये कहाँ का न्याय हुआ, ये तो अन्याय है अन्याय। मेरी सलवार फटी है, मैं देवर जी को कुछ कह नहीं सकती, चाहे सारी गलती उन्हीं की क्यों ना हो, पर मुझे गुस्सा भी तो आ रहा है, तो गुस्सा तो उतारना पड़ेगा, तो चलो जल्दी। अरे लेकिन नहीं नहीं, आपी पे छोड़ा, जला दिया रे। यार सिंधी एक बात बताओ हमका, कि जिस दिन हम तुम्हारे यहाँ आए थे उस दिन तुम्हारी बीवी तो आग उगल रही थी, उसको बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था हमारा आना, हमें तो ऐसा लग रहा था कि उठा कभी मटका खोपड़ी फोड़ देगी हमारी, तूने इसे का बोल दिया जो हमारे एकदम से वह पूजा करने लगी। अरे छोड़ भी उन सब बातों को, पुरानी बातें हैं, मिट्टी डालो। आई का हो गया, काय रख रहे हो गधे की तरह है। उस चमगादड़ ने कुछ ज्यादा ही गरम चिमटा लगा दिया था, एकदम कतई ज्वालामुखी जैसी आग निकल रही है। विधाता ने तुम्हारी किस्मत में यही लिखा है, तुम बस ये बताओ कि तुम्हारी बीबी अचानक से हमारी पूजा कैसे करने लगी। यार हम दोनों बचपन से साथ में रहे हैं, स्कूल की दीवार फांद कर गन्ने के खेतों में घुस कर बीड़ी फूका करते थे, अब तो बीबी ही बीड़ी जैसी मिल गई है, अगर उस समय चार छह अक्षर खोपड़ी में घुसा लेते तो आज ये दशा ना होती। बीड़ी जैसी बीबी है तो रुको अभी तुम्हारा धुआं निकालती हूँ। बीड़ी जैसी हो या माचिस जैसी, तुम बस हमको ये बताओ कि तुम्हारी वो नक्चिड़ी सी परकटी सी बीबी जो जहर उगलती थी वो म्यान में आई कैसे। अरे यार ये औरतें अब्बल दर्जे की बेवकूफ होती हैं, इनका दिमाग इनकी खोपड़ी में नहीं इनकी चुटिया में वास करता है, और हमारी वाली की तो चुटिया में भी नहीं वास करता है। इनको बेवकूफ बनाने के भी दो ही रास्ते होते हैं, पहला या तो अपने दिल पे पत्थर रख के इनकी झूठ मूठ की तारीफ कर दो, या फिर दूसरा कि इन्हें किसी चीज का लालच दे दो, क्योंकि ये लालची भी अब्बल दर्जे की होती हैं। अरे हमारे तीरंदाज कौन सा चीज चला दिया तुमने। देख तारीफ तो बहुत कम काम आती है, लेकिन लालच लालच इतना ज्यादा काम आता है कि वो आदमी को भी खोपड़ी के बल घुमा के रख देता है। तो फिर मैंने उसे ये लालच दिया कि तू बहुत ज्यादा करोड़पति है और अभी कुछ दिन का मेहमान है, तो अपनी सारी प्रॉपर्टी हमारे नाम करके जाएगा। बस फिर होना क्या था, वो लालची प्राणी तुम्हारे आगे पीछे दुम हिलाते हुए घूमना शुरू कर दी। अरे ये बात, शाबाश बेटे, बहुत आगे जाएगा तू। वाह वाह क्या दिमाग लगाया है, अपने इस लीचड़ खटिया कन खजूरे जैसे शक्ल वाले दोस्त को घर में घुसेड़ने के लिए क्या आइंस्टाइन जैसा दिमाग लगाया गया है। अरे अरे नहीं जारू, अरे वो बात ये है कि अरे अरे भाभी जी वो ऐसा नहीं, वो अरे तू तो चुप ही रह रहा दुक्कल, तू दुक्कल नहीं दोगला है, तू सड़ी चिड़ी की दुक्की है दुक्की। अरे 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 अरे